आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार आसीन हुरड़ा विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा को फोन पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील भाषा का प्रयोग कर पोस्ट भी की गई थी। जानकारी के अनुसार विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा ने बताया कि आसीन हुरड़ा विधानसभा अंतर्गत गुलाबपुरा नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा नगर पालिका में करवाए गए कार्यों में अनियमितता एवं फर्जी पट्टा आवंटन के कारण विधायक प्रत्याशी ने सभी कार्यों की जांच हेतु स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को ऑडिट करवाने की बात कही। वहीं इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया, जिसमें 7 दिवस के अंदर संपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया। वहीं इस दौरान कल शाम 6 बजे से विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा को चेयरमैन समर्थित लोगों के द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। वहीं सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जाति सूचक शब्द एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने के बाद विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा ने आनसीन थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं आनसीन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाज करा दे, हमें आपको कोई टेंशन मत लो। दे जरूर जरूर जरूर। आपने एक प्रकरण दर्ज करवाया है, क्या था वो प्रकरण? ये प्रकरण है, कल शाम को 6 बजे से मेरे को धमकियाँ भरे फोन आ रहे हैं, जिसे मुझे जान के मारने की धमकी और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ मिलती है। क्या क्या मैटर क्या है इसमें? क्या इसमें कुछ दिन पहले 22 तारीख को लगभग मैंने DLP में शिकायत की थी फर्जी पट्टर पर करोना की नगर पालिका गुलाब, जो मेरे को वही लगता है कि भाई उससे तिल मिला के होगा इन्होंने मेरे पे ये जानलेवा हमले की धमकी दी है। कुछ गुर्गों ने जो मेरे को जान से मारने की धमकी दी है मेरे परिवार को। क्या नामजद आपने मामला दर्ज करवाया या अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाया? जिन्होंने मेरे को जिस फोन से मेरे को कॉल आए हैं उनके नंबर के हिसाब से मैंने उनके मुकदमा दर्ज कराया है, उनके नामजद और मोबाइल सहित मैंने मुकदमा दर्ज कराया। क्या व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इस तरह की कोई टिप्पणी? हाँ, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी पुराने ऐसे कोई नाम के चल रहे हैं, उनके भी खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया है।